नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज इंडिया गठबंधन की बड़ी मीटिंग होने जा रही है। जी हाँ, दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक होगी जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें, पहले ये मीटिंग 6 दिसंबर को ही होने वाली थी, लेकिन नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किन्हीं कारणवश इस मीटिंग में शामिल होने से उस वक्त इनकार कर दिया था, जिसके कारण इस मीटिंग को उस वक्त कैंसिल करना पड़ा था। और अब आज 19 दिसंबर को ये बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूला से लेकर आने वाले चुनाव की स्ट्रैटेजी तक सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा। बता दें, बैठक में 27 दलों के नेताओं को हिस्सा लेने की संभावना है। बैठक में भाग लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजद सुप्रीमो लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता पहुंच गए हैं। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद इंडिया गठबंधन की ये चौथी बैठक है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहले से ही दिल्ली में हैं। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा सीएम के साथ सोमवार शाम दिल्ली पहुंचे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व उप मुख्यमंत्री सुबह दिल्ली रवाना हो गए थे। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे, साझा रणनीति और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा हो सकती है। बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे, उनकी जगह 2 सांसद शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र और गुमला में पूर्व निर्धारित सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण उनकी जगह झामुमो के सांसद विजय हंसदा, महुआ माझी व झाउमो महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य शामिल होंगे। वहीं महागठबंधन की दिल्ली में होने वाली बैठक में शिरकत करने दिल्ली पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देगा। इस बैठक में सभी सहयोगी दल एक साथ बैठेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगे। नरेंद्र मोदी के फिर से सत्ता में लौटने के दावे को लेकर पूछे गए सवाल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रोज यही बात पूछते हैं, क्या है नरेंद्र मोदी, आएंगे तो आए। महागठबंधन की बैठक में हम सभी दल जा रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने दिल्ली रवाना होने से पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन का भविष्य उज्जवल है। इस बार देश में इस गठबंधन की सरकार बनेगी, हम सभी लोग भाजपा की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बैठक में सीट शेयरिंग पर भी बात होगी, इसमें यह भी तय होगा कि कौन यहां से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मंगलवार को होने वाली बैठक में सभी चीजें तय हो जाएंगी। इसे लेकर पहले से कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी के कई चीजों को लेकर चर्चा भी की है। चुनाव को लेकर जो तैयारी होनी चाहिए वह हो रही है, सभी चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस के नेतृत्व करने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब एक ही है, इसमें कोई अलग नहीं है। बैठक में जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे मजबूती से निभाएंगे। कहा कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी है वहां भाजपा नहीं है, अधिकतर क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन में भूमिका पर कहा कि सभी का मकसद फिराक परस्त शक्तियों को सत्ता से हटाना है। आपको बता दें, तमाम बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस वक्त कई ऐसे नेता हैं जो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। किन मुद्दों पर इस बैठक में मोहर लगती है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना है, 2024 के लोकसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी भी तय की जानी है। अब सीट शेयरिंग को लेकर क्या तमाम दल में सहमति हो पाती है कि नहीं, तमाम दलों को सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से संतोष है होता है या नहीं, इसका भी असर पड़ सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में। क्या कुछ होता है इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।